दोस्तों आज के समय में शायद ही कोई होगा जिसको म्यूजिक पसंद नहीं होगा। आज के समय में म्यूजिक हर बंदा सुनता है और म्यूजिक सुनने के साथ साथ एम्पलीफायर और स्पीकर वगैरह बनाना भी उसको शौक के तौर पे बहुत ज्यादा पसंद है। आज के समय में 10-15 साल की उम्र से लेके 50 साल 60 साल के जो लोग हैं ना वो भी स्पीकर और वूफर बनाते हैं सिर्फ म्यूजिक को एंजॉय करने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा एम्पलीफायर आपकी बजट रेंज में आपको खरीदना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। बहुतों का बजट नहीं होता है, किसी का बजट 100 होता है, 200, 300, 400, 500, 1000 तक का होता है। तो आज आपको मैं हर बजट रेंज में आपको एम्पलीफायर ऑडियो बोर्ड दिखाऊंगा जो बेस्ट होंगे, बेस्ट से बेस्ट ही दिखाऊंगा आपको। लगभग उसमें अगर मार्केट में तो बहुत सारे आपको एम्पलीफायर बोर्ड मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ 8 से 10 ही ऑडियो बोर्ड दिखाऊंगा जो बेस्ट है। मेरी नज़र में मुझे जो बेस्ट लगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना और कमेंट करके ये भी बताना कि जो मैं आपको एम्पलीफायर ऑडियो बोर्ड दिखा रहा हूँ उनमें से आपके पास कौन सा वाला है और कितने का आपकी मार्केट में। मैं जो आपको रेट बताऊंगा, देखो ऑफलाइन सस्ता पड़ेगा, ऑफलाइन हर कोई आ नहीं सकता, ऑनलाइन ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन भी आपको मैं सस्ता ही बताऊंगा कहाँ से परचेस करना है, कैसे परचेस करना है। इसके अलावा और बहुत सारे आइटम आपको कहाँ से खरीद सकते हो, फ्री डिलीवरी है कि नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा नहीं मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा आपको। वीडियो में बने रहना, चलिए वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑडियो बोर्ड है वो लगभग 1000 रुपए के अंदर में ही है, मतलब 1000 रुपए, 600, 700, 800 रुपए की रेंज में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन अगर लोगे तो ये आपको और सस्ता पड़ेगा, लगभग 650-700 में मिल जाएगा। और अगर ऑनलाइन लोगे तो 100-200 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, झूठ बोलने वाली कोई चीज नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा बोर्ड है। इसका जो मॉडल नंबर है ये है, देखो यहाँ पे गोल्ड AP55 है, काफी ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज्यादा हैवी है। मैंने आज तक ऐसा ऑडियो बोर्ड नहीं देखा है, मैं सच बता रहा हूँ। जब तक मैंने इसको नहीं परचेज किया था तब तक मुझे इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इसको परचेज करके खुद पर्सनली यूज किया तो मैं भाई शॉक हो गया बिल्कुल कि भाई ये क्या चीज मैंने खरीद ली। इसमें एक ही चीज की कमी है कि इसके जो कनेक्शन है ना, मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेक्ट है, इसके जो कनेक्शन है वो थोड़े उल्टे हो रखे हैं, जो बैटरी का कनेक्शन है वो थोड़े उल्टे हो रहे हैं। जहां पे पॉजिटिव लगाना है वहां पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा और जहां पे नेगेटिव लगाना है वहां पे पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। ये हर ऑडियो बोर्ड इस टाइप के ऑडियो बोर्ड में आपको मिल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे 4 और यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ पे 78.5 वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। इसके अंदर 12 वोल्ट पे चलता है, 12 से 24 वोल्ट पे चलता है। लेकिन अगर आपको अच्छा साउंड क्वालिटी चाहिए तो ये लगभग आप, मैं आपको बताऊँ, 20 वोल्ट आप दीजिए इसमें। जो कंप्यूटर का जो लैपटॉप का जो चार्जर होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। इसके साथ आपको एक रिमोट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 वायर अच्छी क्वालिटी के कनेक्टर मिल जाएंगे और इसमें 50-50 वाट के आप स्पीकर बूफर लगा सकते हो। और बजट रेंज मैंने आपको बता दिया, 600 से 800-900 रुपए के बीच में इजिली मिल जाएगा, ठीक है। आप कमेंट करके बताना आपकी मार्केट में कितने का मिलता है, ठीक है। अगर ये पसंद आए तो भाई कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा बहुत सारे ऑडियो बोर्ड और भी हैं, लेकिन अभी आपको बजट रेंज में ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो अगला ऑडियो बोर्ड है ये लगभग आपको 400-500-450 की रेंज में मिल जाएगा आपको। इसके अंदर शायद 3116 या 3118 की IC लगी हुई है, बहुत ज्यादा हैवी है, देख सकते हो यहाँ पे 3 तो कैपेसिटर लगे हुए हैं, हैवी और ये 25-25 वॉट के आउटपुट आपको आराम से इजिली दे देगा। मैं अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो 350 से 300-400 रुपए की रेंज में आपको मिल जाएगा। 12 वोल्ट पे चलता है ये, कनेक्शन करना बहुत ईजी है, बस इसके अंदर ब्लूटूथ नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर ब्लूटूथ आपको अलग से लगाना पड़ेगा। इसका आउटपुट बहुत अच्छा है, मैंने टेस्ट करके देखा हुआ है। अगर आपको देखना है तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ये मार्केट में नया बोर्ड आया हुआ है, कमेंट करके बताना किसके मार्केट में इस टाइप का बोर्ड या ये वाला मिलता है, ठीक है। अगर आपका बजट 300-400 रुपए का है तो आप इसको परचेज कर सकते हो, आउटपुट आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लाजवाब मिलेगा। आप इसमें 15-15, 20-20 वॉट के स्पीकर बूफर लगा सकते हो, बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी आपको इसमें मिलने वाला है। नेक्स्ट जो ऑडियो बोर्ड है, अगर आपका बजट 300 रुपए तक का है तो आप इसको परचेज कर सकते हो। पर्सनली बताऊं तो ये भी मेरे को काफी ज्यादा पसंद है। इसके फीचर के बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले तो इसमें एक फीचर दे रखा है कि टाइप सी से आप चार्ज कर सकते हैं इसमें। इसमें आप सिंगल 3.7 वोल्ट की बैटरी लगाकर 10-10 वाट के स्पीकर चला सकते हैं। इसमें 3 कैपेसिटर लगे पड़े हैं। बाकी इसमें बेसिक फीचर आप देख सकते हो, SD कार्ड वगैरह और IR रिमोट का सबका ऑप्शन दे रखा है। इसके अंदर माइक का कैरियोके वगैरह सब कुछ दे रखा है, बड़ी सी डिस्प्ले दे रखी है। और बैक साइड पे अगर आप देखेंगे 3 कैपेसिटर है, यहाँ पे IC लगी हुई है, 2 IC लगी पड़ी है, ब्लूटूथ की IC लगी पड़ी है और जल्दी ये खराब नहीं होता। बस एक चीज का ध्यान रखना, उल्टे कनेक्शन बैटरी के कभी मत करना, एक बार अगर आप कर दोगे तो खराब हो जाएगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना।
वैसे मैंने इसके ऊपर काफी सारी वीडियो बना रखी है टेस्टिंग की, अगर नहीं आपको मिलती है तो मैं जल्दी ही एक वीडियो और लाने वाला हूँ जिसमें आपको टेस्टिंग की वीडियो देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट ऑडियो बोर्ड की बात करें, अगर आपका बजट 250 रुपए तक का है तो आप इसको परचेस कर सकते हो। ये भी 10-10 वॉट के स्पीकर आराम से चला देगा आपके, काफी ज्यादा हैवी है। टाइप सी के साथ आता है इसमें, एसडी कार्ड, माइक्रो यूएसबी वगैरह सब कुछ मिल जाता है इसमें। देखो बटन वगैरह सब कुछ दे रखे हैं, 4 बटन बैक साइड में दे रखे हैं और यहाँ पे माइक का ऑप्शन भी है, यहाँ कॉलिंग वगैरह फीचर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, 4 इसमें इस कैपेसिटर लगे हैं जिससे साउंड क्वालिटी अच्छी निकलेगी, ग्लिच नहीं आएगा। क्या होता है ना, अगर जिसमें कैपेसिटर नहीं लगा होता वो कभी कभी ग्लिच करने लग जाता है, बीच बीच में साउंड अटक अटक के चलता है, ऐसा कभी नहीं होगा इसके अंदर। 2 आईसी लगी पड़ी है इसके अंदर। बाकी इसमें अलग से आप डिस्प्ले वगैरह भी लगा सकते हैं लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, बटन वगैरह सब कुछ दे रखे हैं। अगर आपका बजट 250 रुपए का है तो 10-10 वाट के स्पीकर आप इसमें चला सकते हो, बहुत ज्यादा बढ़िया आउटपुट मिलेगा आपको। नेक्स्ट ऑडियो बोर्ड की बात करें, अगर आपका बजट 200 रुपए तक का है तो आप इसको परचेज कर सकते हो। इसमें ये भी एक वो भी ऑडियो पैनल ही है, बस इसमें डिस्प्ले नहीं दे रखी है। इसमें आपको माइक्रो यूएसबी चार्जिंग जैक, ऑन ऑफ स्विच, बाकी सारे मैनुअल मोड मिल जाते हैं, बटन वगैरह, कैरियोके माइक का ऑप्शन, यहाँ रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, यूएसबी है, एसडी कार्ड है, बाकी यहाँ पे माइक वगैरह आप लगा सकते हो। पीछे इसमें कोई कैपेसिटर नहीं दे रखा लेकिन फिर भी ये 5-5 वॉट के स्पीकर आपके आराम से चला देगा। ठीक है, 2 आईसी यहाँ पे लगी पड़ी है, या ये ब्लूटूथ की आईसी है। ठीक है, और यहाँ पे आप 2 स्पीकर लगा सकते हो 5-5 वॉट के, बैटरी आप कनेक्ट कर सकते हो, एफएम के लिए भी जगह दे रखी है। अगर आपका बजट 200 रुपए तक का है तो आप इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑडियो बोर्ड है, अगर आपका बजट 150 से 180 रुपए के बीच में है तो आप इसको परचेज कर सकते हो। पहले के मुकाबले इसकी पीसीबी थोड़ी पतली हो गई है, पहले इसकी मोटी आती थी लेकिन अब जो है पतली आने लग गई है। इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी कम सही लगती है लेकिन फिर भी मैंने इसको अपने रेंज में रखा हुआ है क्योंकि इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है। इसमें आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं मिलता है, मतलब आपको अलग से लगाना पड़ेगा। 4 कैपेसिटर है, आईसी वगैरह लगी पड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कनेक्शन वगैरह सब कुछ इजी दे बता रखा है, यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड यहाँ पे बता रखा है। आप यहाँ 15 वॉट के स्पीकर आप आराम से चला सकते हैं, ठीक ठाक आपको एवरेज साउंड क्वालिटी मिल जाएगा। नेक्स्ट जो ऑडियो बोर्ड है, A006 ऑडियो बोर्ड है। अगर आपका बजट 150 रुपए तक का है तो आप इसको परचेज कर सकते हो। 5-5 वॉट के स्पीकर इजिली चला देगा आपके, ये बिल्कुल देखा होगा आपने A006 की तरह ही है, A006 ही है। इसमें आपको डबल स्पीकर आप चला सकते हो, बटन दे रखे हैं, माइक का ऑप्शन भी दे रखा है, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा माइक। 2 कैपेसिटर हैं जिससे यहाँ पे खराब नहीं होगा, साउंड क्वालिटी बेकार नहीं होगी। RGB लाइट मिल जाती है इसके अंदर। चार्जिंग की बात करूँ तो माइक्रो USB मिल रखा है इसके अंदर, टाइप सी नहीं है तो माइक्रो USB चार्जिंग इसमें सिस्टम दे रखा है। बाकी इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने टेस्ट करा हुआ है। जल्दी जितने भी मैं ऑडियो बोर्ड आपको दिखा रहा हूँ सबकी टेस्टिंग आपको मिल जाएगी एक एक वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट ऑडियो बोर्ड की बात करूं तो यहाँ पे आपको, अगर आपका बजट 120-130 रुपए का तो आप इसको परचेस कर सकते हो। डबल आईसी के साथ मिलता है, ब्लूटूथ इसके अंदर इनबिल्ड है। ठीक है, यहाँ पे बटन वगैरह, माइक्रो USB जैक वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे ये वाला स्लाइडर वाला दे रखा है जिससे आप चेंज कर सकते हैं रेडियो मोड वगैरह, सब कुछ मोड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको, यहाँ पे स्पीकर का कनेक्शन, 2 स्पीकर के, यहाँ पे एक बैटरी का दे रखा है। ठीक है, बाकी यहाँ अलग से कुछ LED के कनेक्शन भी दे रखे हैं, तो काफी ज्यादा अच्छा है। मैंने अब तक इसके साथ टेस्टिंग नहीं करी है लेकिन जल्दी इसकी वीडियो भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपको बता दूं आपको ऑर्डर कैसे करना है। ऑर्डर करना बहुत ही ज्यादा ईजी है, हमारा ही व्हाट्सअप स्टोर है, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप स्टोर का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मिनिमम ऑर्डर 249 रुपीज का है, इससे कम का ऑर्डर नहीं होगा। 70 रुपए डिलीवरी चार्ज लगेगा। ठीक है, एक खास ऑफर आप लोगों के लिए और भी है, अगर आप 500 रुपए का प्रीपेड ऑर्डर करते हो तो फ्री डिलीवरी आपको मिल जाएगा। हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है। अगर आप 250 रुपए से ऊपर का ऑर्डर कर रहे हो या 500 का कर रहे हो, 1000 का कर रहे हो, कैश ऑन डिलीवरी अगर आपको चाहिए तो 120 रुपए एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज लगेगा और वो एडवांस आपको पहले देना पड़ेगा, बाकी आपको डिलीवरी होने के बाद देना पड़ेगा। ठीक है, तीनों ऑफर आपको मैंने बता दिया है, प्रीपेड भी है, कैश ऑन डिलीवरी भी है। ठीक है, और डिलीवरी चार्ज कितना लगेगा वो सब मैंने आपको बता दिया है। ये ऑर्डर करना बहुत ही ईजी है, और उस व्हाट्सएप स्टोर पे जाओ, अपना ऑर्डर सिलेक्ट करो अपने बजट के हिसाब से, हमें हमारे पास सेंड कर दो, हम आपको बिल और एड्रेस भेजने का तरीका बता देंगे, आप पेमेंट कर दो या कैश COD कर लो। COD में आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी दैट्स इट। 6 से 12 दिन में सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा, और अपना आप फीडबैक जरूर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखना, टेक केयर एंड गुड बाय।